Senior leader with us, Shri Kamal Mangal ji. He's the founder of Anand Niketan Group of Schools from Ahmedabad. We welcome you in today's forum, sir. Thank you, sir. सर आपके लीडरशिप में स्कूल एजुकेशन में सर अहमदाबाद में क्या आपने किया है, व्हाट वाज योर इनिशिएटिव्स इन यहाँ पर, और एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप अपने स्कूल में क्या कर रहे हैं सर, थोड़ा उस पर रोशनी डालिए। एनईपी इज नाइस थिंग्स इफ ही इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली जी। उसके लिए दो चीज़ें, एक तो थीम बेस्ड करिकुलम डेवलप कर रहे हैं जी। सेकेंडली वी आर जो इसमें है कि छठी क्लास के बाद बच्चों को कैसे प्रैक्टिकल अनुभव दें जी, वोकेशनल का जी, उसके लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, जिसमें AI भी है तो कारपेंट्री भी है तो पॉटरी भी है जी, जी। इस तरह हम कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। स्कूल एजुकेशन में सर, प्रॉपर एजुकेशन में आप डिजिटल लर्निंग को कितनी अहमियत देते हैं, और इसमें टीचर ट्रेनिंग का क्या रोल है आपके स्कूल में सर? वैसे तो कोविड ने बहुत कुछ काम कर दिया जी, फिर भी अभी काम बहुत बाकी है कि इसका वाइजली यूज़ करने का, टेक्नोलॉजी का जी। जिस तरह बच्चे इसके आदि हो रहे हैं, कैसे हम इसका प्रोडक्ट जो OTT प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं उसकी जगह हम कैसे इसको लर्निंग प्लेटफॉर्म पे ले आए बच्चों को, और दूसरा इसमें है कि पर्सनलाइज लर्निंग करने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी इसकी, तो वो भी हम सोच रहे हैं कि कैसे इसको, और अब AI आ गया जी, ChatGPT भी आ गया, तो उसके साथ हम कैसे इसको मैचिंग करें जिससे कि बच्चों का, टीचर का लोड दूसरी चीज़ों से निकल जाए, मैनेजमेंट से निकल जाए जी, जी। और वो बच्चों को मोटिवेशन बन जाए। बराबर सर, स्किल डेवलपमेंट में स्कूल्स के क्या इनिशिएटिव्स होने चाहिए, और आपने अपने स्कूल्स में कैसे इनिशिएटिव्स लिए हैं सर? स्किल के ऊपर अभी बहुत काम नहीं हुआ, सॉफ्ट स्किल्स पे ज़्यादा काम हुआ है, हार्ड स्किल्स पे नहीं हुआ है, एक्सेप्ट करेंगे। हार्ड स्किल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल में भी अब लाइफ स्किल्स जो बढ़ानी है जी, उस पर काम करने का सोच रहे हैं। करेक्ट करेक्ट सर, इस तरह के फोरम्स में जहाँ पर इतने एकेडमिशियंस एजुकेटर्स आए हैं, और जहाँ पर स्कूल्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉरपोरेट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं, हमें सीखने को क्या मिलता है सर, या एज एन आउटकम इस इवेंट से क्या मिलता है? एक तो यह है कि एक सबसे मिलने से, एक एक्सचेंज होने से व्यूज़ को, एक दूसरे से कम्युनिकेशन बाद में भी, इस इवेंट के बाद में बढ़ता है जी, और जो जो डेवलपमेंट जहाँ जहाँ हो रहे हैं तो एक दूसरे की जानकारी से आगे बढ़ना का बहुत मौका है, और एजुकेशन इज लर्निंग करेक्ट नॉट स्टॉप ये एब्सोल्युटली, तो दैट फोरम मेक्स पीपल कनेक्ट। करेक्ट करेक्ट। एंड एट लास्टली आई एम ग्लैड टू शेयर दैट सर, ऑडरकॉम मीडिया हैव रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स सेकेंड ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस। लास्ट ईयर ने भी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था सर, हमने ये इवेंट किया था, सो कोई मैसेज ऑडरकॉम मीडिया ग्रुप के लिए? मीडिया ग्रुप के लिए जैसे है कि इसमें कैसे हम कुछ ऐसा स्पीकर्स को ला के इस चैनल पर, जैसे मैंने देखा कि यूट्यूब पर इतने आपके व्यूज़ हैं या इतने आपके बढ़ रहे हैं, तो कैसे हम ऐसे इंडिविजुअल्स को लाकर एजुकेशन पे टॉक्स, या जो फ्यूचर में ह्यूमिनिटी का जो बड़ा इशू है कि एजुकेशन दुनिया में बढ़ गई, ChatGPT भी आ गया जी, और माइंडसेट हमारा अभी चेंज नहीं हुआ है, न स्कूल्स का, न स्कूल के लर्निंग का, वो कैसे चेंज हो उसके ऊपर हम बहुत काम करेंगे, और आज मेरी स्पीकिंग में मैं बोलूँगा भी वो चीज़। करेक्ट करेक्ट। तो हमारे लिए कोई गुड विशेज है सर ऑडरकॉम मीडिया ग्रुप के लिए? गुड विशेज है हमारी तरफ से, तो पूरे आप फोरम में आए सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।